गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा कह रहा है ज्योग्राफी में हमारे ग्रुप चल रहा है अपवाह तंत्र। थोड़ा सा हमने अपवाह तंत्र के बारे में जाना, कौन सा अपवाह तंत्र किस तरीके से, और उसके बाद में अपवाह तंत्र के दो जो रूप है वो है, एक है हिमालय का अपवाह तंत्र, यानी भारत को विभिन्न लक्षणों के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में इसका विभाजन किया गया है, हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा जो है वो है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। भारत के विभिन्न भौतिक लक्षणों के आधार पर जो नदियां हैं वो अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से अपना बहती है और बहती हुई किसी समुद्र में गिर जाती है। समुद्र के जो भाग है अक्षागर और आपके बंगाल की खाड़ी है जो नदियां हैं तो वो हमारे अपने तरीके से क्या करती हैं, बहती हैं। तो उनके भूगर्भिक संरचना और भूगर्भिक संरचना और भौतिक लक्षणों के आधार पर ही पूरे भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो विभाजन कर रहे हैं वो विभाजन कर रहे हैं हिमालय का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का तात्पर्य, अपवाह का मैंने आपको बताया था, अपवाह का मतलब होता है, अपवाह का मतलब होता है बहना, ठीक है। और एक मुख्य नदी जो होती है उसमें अन्य सहायक नदियां अगर व्यवस्थित तरीके से बह जाती है तो इस मुख्य नदी का एक पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है, जाल सा बन जाता है। तो अपवाह का जो जाल बनता है इस जाल को ही कहते हैं तंत्र, यानी नदियों के बने हुए जाल को नाम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य नदी जो होती है उसमें अन्य सहायक नदियां अगर क्या करती है, मिलती है, जिससे मुख्य नदी का क्या हो जाता है, एक जाल सा बन जाता है, जाल को ही कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। अब ये जो अपवाह तंत्र है ये हिमालय का अपवाह तंत्र है, तो हिमालय का अपवाह तंत्र की कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं के आधार पर देखेंगे कि इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसकी जो नदियां हैं वो नदियां लंबी है। नदियां कैसी हैं, लंबी है, ठीक है। फिर 12 मासी, 12 मासी का मतलब है 12 महीने इनको क्या रहता है, महीने इनमें क्या रहता है, जल उपलब्ध रहता है। इसके आधार पर हिम के पिघलने से तथा वर्षण से, वर्षण का मतलब बरसात से, ये कुछ टर्मिनोलॉजी में साथ में लिख रहा हूं, समय आएगा। वर्षण का तात्पर्य बरसात से, तो इन नदियों में जल जो है वो 12 महीने रहता है उपलब्ध। इस जल की विशेषता ये रहती है कि ये नदियां जो होती है ये 12 महीने जल को उपलब्ध रहती है। क्यों रहती है कि जब वर्षण नहीं होता तो हिमसे बर्फ पिघल पिघल कर इनमें जल उपलब्ध होता है, और जब हिम के साथ साथ जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान भी इनमें जल उपलब्ध होता है। वो अलग बात है कि वर्षा के दौरान जमीन में जल की आवक ज्यादा होती है नदियों में, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, तो इनके अंदर बाढ़ की स्थिति का भी मौजूद हो जाती है, बाढ़ की स्थिति इसके अंदर शामिल की जाती है, ठीक है ना। और ये नदियां जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है, तो पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है महाखंडों में से गुजरती है, इसमें से गुजरती है महाखंडों में, इसको हम क्या बोलते हैं, गौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गौर बोलते हैं। गौर जैसे नदी जब अपने ऊपरी क्षेत्र से गुजरती है तो बियागार की घाटी बनाती है, यहां से नदी निकली तो यहां से पहले आवर्तन किया कि बियागार की घाटी बनाती है, ऐसी घाटी बनाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, और उसके बाद में वो ढाल के अनुसार गहराई से काटेगी, तो गहराई से काटने से संकरी खाई, खाई सी बन जाती है। इस संकरी खाई को क्या बोलते हैं, गौज बोलते हैं, और ये संकरी खाई अगर उम्र ज्यादा गहरी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं, और ये क्या होती है, वियाकार की घाटी। तो नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से उतरती है तो वियाकार की घाटी का निर्माण करती है, और ज्यादा गहरी हो जाती है तो क्या करती है, महाखंडों से उतरती है। ये नदियां जो है 12 मासी नदियां लगातार बह रही है, ये महाखंडों से, हिमालय की जो नदी है वो गोंडवाना से होकर गुजरती है, और जैसे जैसे इनका अपवाह होता है वैसे वैसे हिमालय का उत्थान भी हो रहा है, तो जितना ये गहरा करती है उतना उत्थान हो जाता है, तो फिर वापस गहरा करती है, फिर उत्थान हो जाता है, फिर गहरा
फिर उत्थान हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कर रही है, निरंतर चल रही है, ये अपरिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में मारुभूमि से गुजरती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर ये भी आकार की घाटी बनाती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या बनती है, वी आकार की घाटी बनाती है, सिर्फ पिकाणी बनाती है। जलप्रपात क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है एवं छिपिकाएं बनाती है। अब छिपिकाएं जलप्रपात में क्या होती है, थोड़ा समझ बताया तुम। देखो जब कोई खड़ी चट्टान आ जाती है नदी के बीच में, नदी के बैठे में जब कोई खड़ी चट्टान आती है, ऊपर से जब जो नीचे गिरता है, ठीक है ना, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं, ठीक। अब कई बार क्या होता है कि जब नदी बहती है, नदी मान लो ऐसी बहती है, कोई ढाल है, उस ढाल में नदी बहती है, इस ढाल में कहीं कोमल चट्टाने हैं, कहीं आपके कठोर चट्टाने हैं, कहीं कोमल चट्टाने हैं, कहीं कठोर चट्टाने हैं, कहीं कोमल चट्टाने हैं, तो कोमल चट्टाने कट जाएगी कठोर खड़ी रहेगी, कोमल चट्टाने कट जाएगी कठोर खड़ी रहेगी। इस तरीके से जो सीनियर सी बनकर जब जब नीचे उतरता है तो इसके बीच बीच में इस तरह की आकृति बन जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की क्या बन जाती है, आकृतियां बन जाती है, इनको क्या बोलते हैं, छिपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिपिकाएं। छोटा जलप्रपात मान सकते हैं, एक ऐसा मान सकते हैं जलप्रपात एक क्रम में हो जाता है, उसी की निर्माण व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इस तरीके से नदी जब कोमल चट्टान को काट के फिर खड़ी रहेगी, फिर चट्टान काट के फिर खड़ी रहेगी, तो सीधी रूमा इस तरीके से जब नदी का जल नीचे उतरता है तो पर्वतीय घाटियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जब इस प्रकार से नीचे उतरता है, उसको क्या बोलते हैं, छिपिकाएं बोलते हैं। और जब एक नदी का बहुत बड़ा खड़ा हिस्सा सामने आ जाता है और यहां से जब जल नीचे गिरता है, इस जल को क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलप्रपात। प्रपात का मतलब होता है गिरना, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल का मतलब, वाटर का मतलब जल और फॉल का मतलब नीचे, फॉल का नीचे यानी डाउन आना। इस तरीके से ये पर्वतीय भागों में क्या करती है, इस प्रकार के जलप्रपात, नदी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिपिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। ये सारी आकृतियां जो होती है वो क्या होती है, अपरदनात्मक आकृतियां होती है, यानी नदी का जल जो है वो चट्टानों को घिस घिस कर वहां से क्या कर रही है, काट रही है। तो काटने के कारण नदी के जल के द्वारा जो मलबा है वो मलबा उसके साथ घर्षण करके नीचे की चट्टानों को क्या कर रहा है, काटता है। तो काटने से या पतन से नदी आकृतियों को क्या करते हैं, ये कहते हैं। अब नदी जो होती है इनको काटते पर्वतीय क्षेत्रों से होती हुई किसमें बना करती है, मैदानों में प्रवेश करती है। इसमें प्रवेश करती है मैदानों में। जब मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी चट्टान को काटे, तो अपने साथ जो भी मलबा लेकर आती है, ऊपर के पदार्थ को काटते काटते लेकर आती है, तो वो नीचे मैदानों में क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो जमा करने से भी क्या बन जाती है, जमा करने से भी आकृति होती है। तो उन आकृतियों को क्या बोलते हैं, निक्षेपनात्मक। निक्षेप का मतलब क्या है, निक्षेप का मतलब होता है जमा होना, ठीक है ना, जमा होना, इकट्ठा होना या निक्षेप होना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपनात्मक। अब निक्षेपनात्मक आकृतियों के अंदर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है नदी के द्वारा। तो क्या करती है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब अपने निक्षेपनात्मक आकृति के बारे में बात करेंगे। निक्षेपनात्मक आकृति की बात करें तो इसमें देखो समतल घाटियां, समतल घाटियां क्या होती है, जैसे कि विलेखा की घाटी थी ना, मैदानों में आगे क्या करते हैं, नदी गहरा तो काट नहीं सकती क्योंकि जल की आवक कम है और इतना ज्यादा आवेग है तो फैलने लगती है, फैलने लगती है तो इसके किनारे जो है वो कटने लगता है, और किनारे कटते 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 ये समतल आकृति के अंतर्गत आ जाती है।
कैसी बन जाती है, आप क्योंकि तो ऐसी रहती है नदी की डलवा तो ऐसा होता है, लेकिन वो उसका जो किनारे होते हैं वो कटते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में वो गहराई से कटती है और मैदानी क्षेत्रों में इसके किनारे कटते हैं, तो किनारे कटने से तो नदी तो घाटी जैसी है लेकिन समतल सी लग रही है, लगभग घाटी में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, इसलिए इसको घाटी भी कहा और क्या कहा समतल भी कहा। तो मैदानों में जब नदी अपने साथ लाए गए मैदानों पदार्थों को घाटी के अंदर जमा करती रहती है, तो धीरे धीरे उसकी जो घाटी होती है वो बढ़ती रहती है और बढ़ने के कारण वो ऊपर के समतल भूमि के समान लिया जाती है, इसलिए घाटी है वो समतल हो गई। तो निक्षेपणात्मक शिलाकृति क्या करें, समतल घाटियों का निर्माण करती है। गोकुल जीव बनाती है, क्या बनाती है गोकुल। जब नदी समतल मैदानी भागों में आती है तो वो क्या करती है, विसर्ग बनाती है, क्या बनाती है विसर्ग। विसर्ग का मतलब सांप तेजी से चलने लगती है, इस तरीके से चलने शुरू हो जाती है मैदानों में। और जब और नीचे वाले मैदान में आते हैं तो उसकी गहराई होती है, कटाई क्या होती है, इस तरीके से तेजी से बहने शुरू कर देती है। तो मैदानों से और पर्वतों के बीच का जो हिस्सा होता है, जो मैदानों में प्रवेश करने वाला हिस्सा होता है, वहां नदी जो होती है उसका ढाल थोड़ा सा समतल की जगह तेज होता है, इसलिए नदी जो होती है वो तेज गति से बहती है और जैसे जैसे उसको ढाल मिलता है तो वो तेज गति से बहती है और नदी का जो किनारे होते हैं उस तरीके के हो जाते हैं और जैसे समय होता है किनारे और नजदीक हो जाते हैं, इस तरीके से और नजदीक हो जाते हैं। और नदी होने में क्या होता है, यहां से किनारे सारे टूट जाते हैं क्योंकि कटाव हो रहा है ना, नदी तो घुमाव कर रही है, घुमाव कर रही है ये चीज कर रही है, तो अब नदी क्या करेगी, सीधी बहने लगी और रहेगी क्या ये चीजें इस प्रकार की, क्योंकि नदी का जल तो इसमें है और आकृति कैसी बन गई इसकी, झील जैसी, इसलिए इसको कहते हैं गोकुल झील। अब इसकी आकृति देखो गाय के खुर के समान है, जैसे गाय का खुर होता है ना, गाय का खुर होता है वैसे आकृति होने के कारण जो झीलों का निर्माण होता है, नदी जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो कैसे कहलाता है, गोकुल झील। की हालांकि अवर्तनात्मक शिला करती है, लेकिन इस समय नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में आती है, तो मलबे को भी क्या करती है, जो मोड़ होता है उस मोड़ वाले क्षेत्रों के अंदर मलबा जमा रहता है, तो जो मोड़ होते हैं वहां मलबा जमा होने से क्या होता है कि जो नदी का ढाल है वो वापस उस कोने वाले हिस्से के अंदर रहता है। जैसे नदी यहां मलबा जमा करे तो इस मलबे में इसको जोर आ रहा है, तो यहां नदी का निक्षेपण ज्यादा होता है, निक्षेपण में आता है नदी जल यही से काटना वापस शुरू कर देती है ज्यादा नजदीक से, और यहां मलबा जमा हो जाता है फिर यहां काटना शुरू करती है, इस तरीके से ये हिस्सा क्या होता है इसका लगातार कटता रहता है, नदी को मार मिल जाता है और ये क्षेत्र पूरा क्या रहता है बरकरार। अपर्धनात्मक निक्षेपण में दो सूत्र इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या रहता है, गोकुल झील का निर्माण करती है जब मैदानों में नदी उतरती है, ठीक है, ये निक्षेपण। बाढ़ पीड़ित मैदान, बाढ़ पीड़ित मैदान का मतलब हुआ नदी समतल भूमि से नीचे उतरी, पर्वत के हिस्से से नीचे उतरी, जब नीचे उतरी तो अब इसमें कई क्या होता है, समतल भूमि में आता है कई शाखाओं में नदी क्या होगी, विभक्त होगी, नदी विभक्त हुई तो अपने साथ जो भी जल लेके आ रही है क्या नदी है, तो जल के साथ जो मलबा लेके आ रही है उन मलबों को भी क्या करती है, इन शाखाओं के हिसाब से जमा करती है। जब बरसात के दौरान क्या होता है कि जल की आवक ज्यादा होती है तो जल समतल भूमि होने के कारण इन शाखाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में फैल जाता है और फैलने से इस नदी के अंदर लाया गया मलबा जो होता है वो यहाँ क्या होता है, जमा हो जाता है। अब ये जमा होने से एक समतल भूमि से क्या नाम देते हैं, मैदान। अब ये मैदान किसके द्वारा बना, बाढ़ के लाए गए मलबे के द्वारा, इसलिए इसको क्या सा नाम कहते हैं, बाढ़ का मैदान। तो जब नदी अपने समतल वाले क्षेत्र के अंदर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। गुंफित वाहिका है, गुंफित वाहिका है। अब गुंफित वाहिका में समतल भूमि का ही एक चित्र है, जैसे ये नदी रही और ये समतल भूमि पे आ गई, अब समतल भूमि पे आने के बाद में एक शाखा इधर निकल गई, एक शाखा इधर निकल गई, एक शाखा इधर से इधर निकल गई, फिर इधर शाखा निकल गई, फिर इधर शाखा निकल गई, फिर इधर शाखा निकल गई, इधर शाखा निकल गई, ये शाखा निकल गई, ये मुख्य नदी है, यहां से एक
उस गुच्छे से उनको क्या कहते हैं, गुम्फी। यानी जब समतल भूमि पर नदी आती है तो वो उसने अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे मलबे को लेके जाए, और समतल आने के कारण वो डाल के नुकसान होती, कहीं क्या बन जाती है, शाखाएं बन जाती है। तो शाखाएं बनने से वो शाखा आगे जाकर उसमें मिल रही है, वो डाल के नुकसान उसमें मिल रही है, वहां से एक नदी निकल रही है, फिर से नदी निकल रही है, इस प्रकार से कई शाखाएं तो समतल भूमि में क्या होती है, निकलती है। तो ऐसे देखने से लगता है जैसे इन शाखाओं का एक जाल सा बना हुआ है, गुच्छा सा बन गया, उस गुच्छे से वो क्या करते हैं, गुम्फित करते हैं। तो गुम्फित मैदान ये एक तरह से बाढ़ के मैदान जैसा ही है, ठीक है ना, गुम्फित मैदान, इसमें स्पष्ट धाराएं गिरती है। दूसरा है नदी का जो मुहाना होता है, जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी का मुहाना, मुहाना में समुद्र में जब जल डालते हैं तो नदी का मुहाना कहलाता है। तो ये समतल भूमि हुई और यहां शाखा में कई शाखाओं में क्या हुई, नदी विभक्त होगी, जब कई शाखाओं में विभक्त होगी तो इसी तरह यहां नदी का क्या करेगी, जमाव करेगी। अब ये जमाव करके करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है वो वहां जमा होगी समुद्र के तट के पास में, फिर नदी आगे बढ़ेगी, फिर कई शाखाओं में, फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा होगी तट के हिसाब से, फिर नदी आगे बढ़ेगी, कई शाखाएं विभक्त करेगी, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये नदी क्या करती है, अपने मलबे को समुद्र के तट के पास में अंदर तक प्रवेश करवा रही है। तो अंदर तक प्रवेश करवाकर नदी आगे तक जाती है और कई शाखाओं में जो होती है विभक्त हो जाती है। तो ये जो नदी के द्वारा बनाया गया मलबा है, ये जब समुद्र में इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार के निक्षेपण को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये नदी के मुख के पास, नदी का मुहाना, मुहाने का मतलब है जब नदी अपना जल समुद्र में डालती है वो मुहाना कहलाता है। तो समुद्र के पास इस प्रकार से नदी का जो निक्षेप हो जाता है या अवसाद जो नदी के द्वारा लाया गया है वो जब जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो नदियों के द्वारा इस प्रकार से कई क्षेत्रों में रूप माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आकृतियां नदियां मैदानों में और पर्वतीय क्षेत्रों में करती है। दो चीजें देखिए, जब हिमालय में, हिमालय के पर्वतीय भागों में नदी बहती है तो टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे नीचे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना। तो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी बहती है, लेकिन यही नदियां जो है हिमालय की नदियां जब मैदानों में उतरती है तो सड़क के आकृति में विषमताकार बहती है। कैसी बहती है, विषमताकार बहती है, सड़क के आकार में है। ये पर्वतीय क्षेत्र में तो ऊपर से नीचे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे है ना, झिकझिक रूप में बहती है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी, और जब ये मैदान में आती है तो ऐसे सड़क की आकृति में बहती है, इसको विषमताकार कहते हैं। तो ये हिमालय की नदियों की क्या है, विशेषता होती है। लेकिन ये सर्पाकार बहने के कारण, जो मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार बहने के कारण ऊपर का जो पदार्थ होता है, नदी अपने साथ जो मलबा लेके आती है, इस मलबे को समय समय पर यहां जमा कर दिया, यहां जमा कर दिया, ये बोर्ड में जमा कर दिया, इस बोर्ड में जमा कर दिया, वो गुप्त जीव वाला बताया था ना, बोर्डों में जमा हो रहा होगा। तो नदी आती है, नदी बोर्ड पर जमा कर देती, फिर यहां बोर्ड पर जमा कर दिया। तो मोड़ पर जमा होने से, मलबे के मोड़ पर जमा होने से नदी के मोड़ पर क्या जाते हैं, अवरोध आ जाते हैं। अब अवरोध आने से क्या होता है कि नदी का जल इधर जाना होता है, लेकिन अवरोध आ गया तो नदी ने इधर से अपना मार्ग बदल लिया, फिर यहां पर कोई अवरोध आ गया, नदी इधर के मार्ग में आ गई। इस तरीके से ये नदियां जो है वो अपने मार्ग बदलती रहती है, और मार्ग बदलने भारत की एक नसीब नदी है कोसी बिहार में, तो ये मार्ग बदलने में क्या मानी जाती है, कुख्यात मानी जाती है, कुख्यात मतलब भयंकर नदी है। और ये भारत में मार्ग बदलने में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर विषमताकार मार्ग में बहती है तो अपने साथ लाए गए मलबे को उन नदी के मार्ग में जमा कर देती है, और इतनी ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों से ये मार्ग मलबे को लेके आती है, उस मलबे को लाकर ऊपर का हिस्सा तो ग्रेविटी के कारण जल्दी से मलबा लेकर आ गया, और जैसे पीछे
के दबाव से मलबा आगे बढ़ता है तो समतल काल में जैसे विशर्पाकार मार्ग में बहती है, अब इस नदी के अंतर्गत इतनी क्षमता नहीं होती कि मलबे को आगे लेके चले, तो ये क्या करती है कि नदी का जो मोड़ होते हैं उन मोड़ों पर वो मलबा लगातार क्या होता रहता है, जमा होता रहता है। जब मोड़ों पर मलबा ज्यादा जमा हो जाता है तो पीछे से नदी की धारा जो होती है वो अपना मार्ग क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो जिस मार्ग में बहना होता है उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में बह लेती है, तो जो दूसरा क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है, वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां जिसकी स्थिति पैदा होती है बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर जान माल की हानि होती है और फसलें नष्ट हो जाती है, जान माल की हानि हो जाती है। तो बाढ़ के लिए एक कारण मानी जाती है, मार्ग बदलने के लिए, मार्ग में मार्ग बदलने के लिए जो नदी का मार्ग है, क्योंकि फसलें नष्ट हो जाती है। जिस मार्ग में नदी बहती है उसी उसी क्षेत्र में तो हम फसल करते हैं, नदियों के किनारों पर इसको फसल करते हैं, और नदियों के किनारों पर जब फसल करते हैं और मार्ग में अवरोध आने के कारण जब बरसात आती है तो पीछे से जब जल की आवक होती है अवरोध के कारण वो जल खेतों में फैल जाता है, खेतों में फैलने से फसल नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इसको बिहार की जो कोसी नदी है इसको क्या कहा जाता है, बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, बिहार के शोक के नाम से। हिमालय की नदियां है, लंबी नदियां है, काफी जल आवक होता है क्योंकि हिमालय पिघलने से भी जल मिलता है, यानी हिम के पिघलने से भी, और बरसात के दौरान में जल की आवक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये मान लेके आती है और अपने साथ व्यक्त मात्रा में क्या करती है, इन पर्वतीय क्षेत्रों से मलबा लेकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और अपना मार्ग बदल देती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनके अंदर इस प्रकार से जल भराव की क्षमता होती है, वो कभी घटती और कभी बढ़ती रहती है। ये हमें क्षमता हिमालय पर्वत की नदियों का जो स्वरूप है वो कैसा है, इस तरीके की विशेषता है हिमालय के वास्तुतंत्र का। हिमालय के वास्तुतंत्र के प्राकृतिक जो आकृतियां हैं वो बनाती हुई नदियां आती है, ठीक है, और इन नदियों के जल की मात्रा का, इन नदियों के जल की मात्रा का जो क्षेत्र है उसमें बहाव बदल हो जाता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक नकारात्मक तो ये पड़ेगा कि नदियां जब अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा लेके आती है और अवरोध के कारण वो मार्ग बदलती है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। नए प्रकार की भूमिका क्या होता है, निर्माण भी हो जाता है, लेकिन फसलें नष्ट होती है तो दुख भी होता है। लेकिन ये नदियां अपने साथ जब मलबा लेके जमा करती है तो वो खादर जलोढ़ बना जाता है, और खादर जलोढ़ जो होता है वो एक तरह से उपजाऊ मिट्टी होती है। तो नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाकर जमा करती है, तो एक तरह से देखते हैं तो नदियां जो है उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन नदियों के जल के द्वारा जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो भारत में हिमालय की नदियों का नकारात्मक सकारात्मक या फिर प्रायद्वीप में भारत की नदियों का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने हिमालय के पर्वत की अपवाद तंत्र के बारे में कौन कौन से आकृतियां किस तरीके से बनाती है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भारतीय हिमालय पर्वतीय जो नदियां हैं या ये जो अपवाद तंत्र है उसका भूवैज्ञानिक इतिहास क्या रहा है, या उसका विकास कैसे हुआ है, अपवाद तंत्र का भूवैज्ञानिक विकास कैसे हुआ है, किस तरीके से ये नदियां बही है, क्यों बही है, कौन सी नदी हिमालय से पहले बहती थी, कौन सी नदी हिमालय के बाद बहनी शुरू हुई है, इन सब बातों का जिक्र हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।